किशनगढ़वास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोटकासिम तिराहे पर एक बैठक आयोजित की। बैठक में कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिला प्रमुख दीपचंद खेरिया को प्रत्याशी बनाने की मांग की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर दीपचंद खेरिया को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गठबंधन में प्रत्याशी उतारने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाहरी प्रत्याशी को स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं कांग्रेस के सभी पदाधिकारी सामूहिक इस्तीफा देंगे। हम कल दिल्ली गए थे, दिल्ली जाने के बाद में न तो किसी भी विधायक ने या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसी के पाने की नहीं पूछी। हम कार्यकर्ता हैं, हम कोई अरे गेरे आदमी नहीं है, जाकर गाड़ियों में बैठ बैठ के आ जाते हैं और चले जाते हैं। हम जमीन से जुड़े हैं, अगर यहाँ से समझौता किया तो महाभारत की लड़ाई होगी, आर पार की हो जाएगी। हमको नहीं है किसी की जरूरत, जनता हमारे पीछे, हम इसलिए हम किसी के पीछे नहीं है। मंत्री हमारे पीछे, हम मंत्रियों के पीछे नहीं है। एक सूत्र कार्यक्रम करें, जनता हमारी सारी 84 तैयार है लड़ने और झगड़ने के लिए, दीपचंद जी के लिए सदा के लिए तैयार है। एक तरफ एक तरफा कोई जिंदाबाद। आज के विधानसभा में दीपचंद जी को लेकर ये मीटिंग आज हुई। जो गठबंधन की आशंका चल रही है, किशनगढ़वास में कोई गठबंधन की अफवाह जो चल रही है उसको देखते हुए यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब आशंकित हैं और गठबंधन का यहाँ कोई वजूद नहीं है। पहली बार यहाँ गठबंधन होने की आशंका जो जताई जा रही है उससे सभी कांग्रेसी खिलाफ है। और आज जो हज़ारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए वो सिर्फ खेरिया साहब के लिए इकट्ठे हुए कि दीपचंद जी को अगर टिकट मिलता है तो वो एकमात्र उम्मीदवार है यहाँ से जो कांग्रेस की सीट को 200% निकाल सकते हैं। और अगर टिकट नहीं मिलता तो आप क्या करोगे? अगर यहाँ गठबंधन में टिकट जाता है तो उसके सभी कांग्रेस कार्यकर्ता पुरजोर विरोध में हैं और कोई भी निर्णय वो ले सकते हैं। अगर यहाँ दीपचंद जी को टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत भारी मतों से विजय हो। अध्यक्ष हूँ, कार्यरत हूँ। ये जो मीटिंग थी ये मेरे पास मैसेज आया था कि अपन गठबंधन का विरोध कर रहे हैं और हम इसीलिए आए हैं यहाँ कोटकासिम से कि सिर्फ गठबंधन को लेकर गठबंधन का विरोध किया है। गठबंधन अगर होगा तो ये जो जनता है ये बिल्कुल नाराज़ है और ये प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर आएंगे या किसी और दल को अपना समर्थन देंगे। किशनगढ़ विधानसभा जो 60 नंबर पे आती है, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि महागठबंधन में इस सीट को दे रहे हैं, जिससे कि यहाँ के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जिनमें एक बहुत ही उमंग है दीपचंद खेरिया जी के लिए, कि हम उनको यहाँ का प्रत्याशी घोषित देखना चाहते हैं, हम उनको एक MLA के रूप में देखना चाहते हैं। अगर बाहर से कोई भी कार्यकर्ता या किसी बाहरी कैंडिडेट को यहाँ थोपा जाएगा तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज जो इतनी बड़ी सभा हुई है, कई हज़ारों लोगों की मीटिंग हुई है, वो दीपचंद जी के समर्थन में हुई है, वो उनको टिकट दिलवाना चाहते हैं और यहाँ से पार्टी को जितवाना चाहते हैं। अगर पार्टी अपने हित में यहाँ से सीट निकालना चाहती है तो दीपचंद जी के अलावा इस सीट को कोई नहीं निकाल सकता है। अगर गठबंधन की बात करते हैं तो गठबंधन को यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा और जनता जनार्दन जो फैसला लेगी वो मानना पड़ेगा।